हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या कारण थे और क्या उसके नतीजे निकले इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय हुए थे जो भारत के, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नर बने थे बंगाल के। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि गवर्नर का पद बना कैसे था, क्या हुआ था। 1757 में 1757 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, जो हुई थी सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इस बैटल में सिराज उद दौला के जो कमांडर थे मीर जाफर, उन्होंने धोखा दे दिया था और रॉबर्ट क्लाइव इस बैटल को जीत गए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव इस बैटल को जीत गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, 1758 में अली नगर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत क्या हुआ था, जो मीर जाफर थे उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया था और अंग्रेज़ों के पास एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था। तो और मीर जाफर के पास क्या पावर रह गई थी, फाइनेंस और न्यायपालिका मीर जाफर के पास रह गई थी। तो अंग्रेज़ों के पास क्या आ गया था, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इन्होंने गवर्नर का पद निकाला था। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे रॉबर्ट क्लाइव, जे बने थे 1758 में। इसके अलावा लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे वारन हेस्टिंग। तो लास्ट थे जो लास्ट होते थे नेक्स्ट पद के फर्स्ट होते थे। तो गवर्नर का पद इन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए थे, क्या हुआ था, 1773 में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ फाइनेंस पावर भी अंग्रेज़ों के पास आ गई थी और राजा के पास सिर्फ न्यायपालिका रह गई थी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वारन हेस्टिंग, जे बने थे 1773 में। उसके अलावा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे विलियम बेंटिक। और क्या हुआ था, जे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे पहले, इस पद को हटाकर इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था। क्या हुआ था, पहले इनका पूरे भारत पर अधिकार नहीं था, पंजाब का इलाका नॉर्थ इंडिया इससे रहता था, महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था उस टाइम पंजाब में। तो उसके बाद इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में। तो उसके बाद क्या हुआ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड कनिंग। तो 1857 में विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया और क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया इंडिया में। यानी कि इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड से भारत में शासन करती थी, उनका प्रतिनिधित्व करता था वाइसराय। तो वाइसराय क्या होता है, जो किसी राजा का प्रतिनिधित्व करता हो, किसी राजा की तरफ से राज करता हो, उसे कहते हैं वाइसराय। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हुए थे लॉर्ड कनिंग, 1858 में बने थे ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या हुआ था, 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, तो वाइसराय के पद को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि किसी राजा, कोई राजा ही नहीं तो उसका अधिकारी क्या करेगा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये बने थे 1947 को। उसके अलावा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, या पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये थे राजगोपालचारी। इसके अलावा 1950 में क्या किया था, गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा दिया गया था और इस पद की जगह क्या कर दिया था, राष्ट्रपति का पद ले आए थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार दोबारा से रिवीजन ले लेते हैं इनकी। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे रॉबर्ट क्लाइव 1758 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वारन हेस्टिंग 1773 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे विलियम बेंटिंक 1833 में। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड कनिंग 1858 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। उसके अलावा फर्स्ट पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था सिराज गोपालचारी, और पहले भारतीय प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बने थे 1950 में, 1950 में। तो अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, 1857 के विद्रोह की। तो पहले इसके कारण देखते हैं, क्या कारण थे जो ये विद्रोह हुआ। तो सबसे पहला कारण था रिलीजियस कारण था, जो क्या किया था अंग्रेज़ों ने, सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था।
कब ख़त्म किया था, 1829 में। उस टाइम जो भारत के गवर्नर, भारत के नहीं सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिक थे, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था। तो हमारे लोग बहुत ही धर्म कहते थे कि ये तो एक हमारा धार्मिक है, इसको हटा दिया अंग्रेज़ों ने, तो उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह फूटने लगा था। तो एक बात और, राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिकीकरण का पितामह कहा जाता है। तो भारत में आधुनिकीकरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दूसरा कारण था सोशल कारण, सामाजिक कारण। क्या हुआ था, इन्होंने विंडो री मैरिज एक्ट लेके आए थे जी 1856 में, विधवाओं का पुनर्विवाह करना। तो ये कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। तो ये भी उन्होंने कहा कि विधवा को तो अलग से रहना चाहिए, तो इनका विवाह तो होना नहीं चाहिए। तो ये 1856 में लेकर आए थे कि विडो है जो उस विधवा है उसकी रीमैरिज होगी, ठीक है। तो इस कारण भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उठने लगा था। तो पहले इंडिया जिन्होंने एक विधवा से मैरिज की थी, विवाह किया था, उनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन से थे पहले इंडिया जिन्होंने विधवा से विवाह किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर। उसके अलावा हैवी टैक्सेशन, यानी कि बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में कर लगाया जाता था भारतीयों पर। और एक और कारण था, जो इंडियन सोल्जर थे, भारतीय सिपाही थे, उनको इंग्लिश सिपाहियों की तुलना में बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, बहुत ज़्यादा कम वेतन दिया जाता था। तो उसके अलावा एक और रीज़न था, लैप्स का सिद्धांत जो 1848 में आया था। क्या था? अगर किसी राजा के पास संतान नहीं है तो उसका जो राज्य था वह ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता था। तो इस नीति के तहत पहला राज्य जिसे ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किया था वह था सितारा, जो भी पूछा जाता है। इसके अलावा झांसी को भी इसी नीति के तहत अंग्रेज़ों ने शामिल किया था। तो किसने शामिल किया था इस नीति के तहत? लॉर्ड डलहौजी ने सितारा को ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया था। उसके अलावा P-53 एनफील्ड राइफल थी जो, वह भी एक कारण थी इस विद्रोह का। क्या होता था कि उसके जो कारतूस थे उन पर मांस होता था सूअर और गाय का, उनको मुंह से खोलना पड़ता था, तो सैनिकों ने उसे खोलने से मना कर दिया था। तो ये भी एक विद्रोह का कारण था। तो इस विद्रोह के नतीजे क्या निकले, क्या हुआ था? 28 मार्च, 28 मार्च 1857 को 1857 में मंगल पांडे थे जो 34th रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, सोल्जर थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हुआ करते थे मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था, बंगाल के थे जे। तो क्या किया था इन्होंने, अपने एक अंग्रेज़ अधिकारी को मार दिया था। तो इसी कारण इन्होंने 8 मई 1857 में फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे पहले फ्रीडम फाइटर थे 1857 में। 28 मार्च को इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर हुआ करते थे, सिपाही थे। तो 8 मई 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा मारो फिरंगी को जो नारा भी मंगल पांडे ने दिया था। जो पूछा जाता है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, तो ये दिया था मंगल पांडे ने। इसके अलावा क्या हुआ, 10 मई 1857 में 20वीं और दूसरी नेटिव इन्फेंट्री की रेजिमेंट के जो सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था, 11 मई 1857 को जो बहादुर शाह जफर के पास गए कि हम आपको बादशाह हिंद घोषित करते हैं, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करते हैं, हम आपके अधीन होकर युद्ध लड़ेंगे, आप हमारा नेतृत्व कीजिए। तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना बादशाह बना लिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा और किन किन जगहों पर विद्रोह हुआ था और किन्हों ने उसका नेतृत्व किया था वह भी हम सब देख लेते हैं। दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने, मेरठ में किया था कदम सिंह ने, लखनऊ यानी कि अवध में किया था बेगम हजरत महल ने, कानपुर ने तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था, नाना साहब को दोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने जिनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। इसके अलावा इलाहाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने स्टार्ट किया था ये विद्रोह और नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, जगदीशपुर में देव सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हुआ क्या था, ये विद्रोह फेल हो गया था, यानी कि हम हार गए थे, भारतीय को इस विद्रोह में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बहुत से कारण थे, सभी अपने राज्य को बचाना चाहते थे,
एक तो ये कारण था, और दूसरा था नेत्रदेव की गाढ़ थी। नेत्रदेव कोई एक नहीं था जो नेत्रदेव कर रहा था, सभी अपना अपना कर रहे थे। जैसे कि इलाहाबाद में मौलवी महाबतुल्ला थे, और जगदीशपुर में देव सिंह थे, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। सभी अपने राज्य को बचाने के लिए ये विद्रोह में शामिल हुए थे। उसके अलावा जो कुछ भारतीय रियासतों के राजा थे, उन्होंने सीधे तौर से अंग्रेज़ों की इस विद्रोह में सहायता की थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था इस विद्रोह के असफल होने का। तो रिजल्ट क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हिमाजू के टम्ब के पास से उनको गिरफ्तार किया गया था, हिमाजू के मकबरे के पास से। उसके अलावा नाना साहब और बेगम हजरत महल थी, वह बंगाल की तरफ को भाग गए थे। बाकी जो सब थे उनको गोली मार दी गई थी, उनको मार दिया गया था। तो क्या हुआ था, इस विद्रोह के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को समाप्त कर दिया गया था, और रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन को स्टार्ट कर दिया गया था इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल था उसकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था, और वाइसराय ऑफ इंडिया स्टार्ट कर दिया गया था। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन बने थे, लॉर्ड कनिंग बने थे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो बी डी सावरकर हुआ करते थे, जो उन्होंने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस है, बार आज़ादी के लिए पहला युद्ध कहा था उन्होंने 1857 के विद्रोह को। तो ये पूछा जाता है कि इन्होंने कहा था 1857 के विद्रोह को फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंट, या आज़ादी के लिए पहला युद्ध, तो ये कहा था वी डी सावरकर ने। तो डैट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।